अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभासी न्यूज नेटवर्क, आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार और तेज हो रही है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में तो गति वही बनी हुई है, आज भी 8,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कुछ मामले कम हुए थे लेकिन आज फिर से बढ़े हैं, लगभग 1300 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। और आंध्र प्रदेश में तो एकदम से COVID-19 का जैसे विस्फोट हुआ है, एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा मामले। केरल में मामले बढ़ गए हैं, राजस्थान में एक ही दिन में अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड आया है, लगभग 1,000 मामले सामने आए हैं। लेकिन देखिए वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो विधायक हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को छोड़कर होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं और 5-स्टार सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, जनता परेशान है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गुजरात में 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में लगभग 2,500 नए मामले सामने आए हैं। तो अभी कह सकते हैं कि कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बंगाल ने 3 दिन के लॉकडाउन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। उधर अगर हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कह दिया कि अब लॉकडाउन आगे बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन इसका हल नहीं है कोरोना वायरस का। इसका हल यही है कि आप मास्क पहने और जो सरकार ने SOP जारी की है उसका प्रक्रिया का पालन करें। अब मास्क की बात आती है तो जब जैसे ही कोरोना भारत में आया तो लोगों में N95 मास्क खरीदने की होड़ लग गई थी। मास्क की कमी बढ़ गई तो सरकार की आलोचना शुरू हो गई कि आप मंगा नहीं रहे, ना ही अपने आप उत्पादन हो रहा है। सरकार ने उत्पादन भी बढ़ा दिया और बाहर से भी मंगा लिया। लेकिन अब एक नई स्टडी के आधार पर भारत के भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक जो N95 मास्क है, खासतौर पर वाल्व वाला मास्क अगर आप कोई सा भी लगा रहे हैं तो वो आपके लिए भी खतरनाक है, दूसरों के लिए भी खतरनाक है। और इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है जानकर आप चौंक जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखें, ना तो वाल्व वाला, जिसको हम सरल भाषा में कहें तो सांस लेने का जो एक वाल्व लगा होता है कि आपको आप आसानी से, दूसरा जो कपड़े का मास्क लगाते हैं आप, उसमें ऐसा कई लोगों को शिकायत रहती है कि हमारा दम घुटता है, लेकिन वाल्व वाले मास्क में ऐसी लोगों को शिकायत नहीं रहती कि दम घुटता है। तो लेकिन वाल्व वाला मास्क आपके लिए भी खतरनाक है, सामने वाले के लिए खतरनाक है। कितना खतरनाक है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि ना आपको खुद पहनना है ना दूसरे को भी पहनने देना है, उसको भी समझाना है कि भैया ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, तो कृपया इससे बचें। इसके अलावा अगर आप आज की और बड़ी खबरों की बात करें तो एक तुरंत की खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा क्यों रद्द कर दिया गया है इस वर्ष भी। पिछले साल भी हमने देखा था, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाया जाना था तो कश्मीर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो यात्रा को जारी रखा जाए, तो रद्द कर दी गई थी। इस साल कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाएगी और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद ये फैसला किया गया, बयान जारी किया गया है। हालांकि भक्तों के लिए एक व्यवस्था की जाएगी कि सुबह शाम की जो आरती है उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और भी डिजिटल माध्यम से दर्शन कर सकेंगे। हालांकि जो बोर्ड की बैठक हुई है उसके बाद ये कहा गया है कि हमें ये दुख है कि हम इस बार की यात्रा की अनुमति नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन भावनाओं जो है भक्तों की जुड़ी रहें इसके लिए डिजिटल प्रसारण की व्यवस्था की गई है। उधर अगर बात करें बाढ़ की तो आप देखिए कि असम की बात करें, मेघालय की बात करें, बिहार की बात करें, बेहद हालत खराब है। आपको हम पहले ले जाते हैं बिहार के सीतामढ़ी। आप देखिए क्या आपको यहाँ पर कोई प्रशासन नजर आ रहा है, क्या आपको यहाँ पे कोई अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको नजर आ रहा है? लोग बेहाल हैं, अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। बस आपका चाहे घर डूबे, आपका सामान डूबे, आप खुद डूबे, उससे किसी को कोई परवाह नहीं। आप जरा देखिए और खुद अंदाजा लगाइए बिहार में हो क्या रहा है। इसके बाद एक एक करके आपको आज ऐसी रिपोर्टें दिखाने वाले हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी।
असम में भी बाढ़ का बुरा हाल है। राज्य के बताया जा रहा है कि 23 जिले इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, जो राहत कार्य है उसको चलाते रहने का आदेश दिया है। लेकिन जो लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं और विस्थापित हुए हैं, और विस्थापितों की संख्या भी देखिए 25 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, इस बात की पुष्टि कई सारी मीडिया रिपोर्टें कर रही हैं। इसके अलावा हम देखें तो अब तक लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है बाढ़ जनित हादसों से। और इसके अलावा चलिए ये मानव का जो नुकसान हुआ है, मानव जीवन का नुकसान हुआ है, जो हमारे पशु हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, कई सारे पशुओं की जान गई है, कोई हिसाब ही नहीं है कितने जो मवेशी हैं और खासतौर पे जो पशुधन के सहारे ही जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा जैसे कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया था कि कौन सा मास्क आपके लिए पहनना सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मास्क जिनमें वैल्व होते हैं ये एक रैपिडली डेवलपिंग सिनेरियो है, जैसा आप जानते हैं। जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट आधारित ट्रांसमिशन है, उसके बाद साइंस ने कुछ और स्टडीज़ की और ये कहा गया कि अगर आप इनक्लोज्ड स्पेसेस में हैं, बंद कमरों में हैं, वर्क प्लेसेस में हैं, तो इस बात की संभावना है कि जो छोटे ड्रॉपलेट हैं वो हवा में देर तक सस्पेंड रह सकते हैं और एयरबोर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है। WHO ने भी ये कहा कि हम इस चीज़ को मान रहे हैं लेकिन हम और एविडेंस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय भी जिस तरह से साइंटिफिक एविडेंस आते हैं उसके आधार पर अपने गाइडलाइंस निर्गत करता है। हाल के दिनों में कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई जिन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के N95 मास्क, या मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि N95 मास्क रेस्पिरेटर जिसको वैल्व कहते हैं उसके साथ और बिना रेस्पिरेटर, जैसा ये सज्जन ने यहाँ पहना हुआ है, हाँ ये भी N95 मास्क है और शायद इसमें रेस्पिरेटर नहीं है, कम से कम यहाँ से नहीं दिख रहा, अच्छा है, तो बिना रेस्पिरेटर के भी N95 मास्क आते हैं और रेस्पिरेटर के साथ भी आते हैं। तो जो एविडेंस आ रहा है वो ये कहता है कि जब आप वैल्व वाला मास्क पहनते हैं तो आप स्वयं तो सुरक्षित हैं लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ एसिम्प्टोमेटिक पर्सन देन द प्रोपेंसिटी ऑफ दैट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर। दिस इज ए इवॉल्विंग सिचुएशन। अगर कुछ और तथ्य हमारे सामने आएंगे और हमें ये आवश्यकता लगेगी कि इसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे, वर्तमान स्थिति यही है जो हमने अपनी गाइडलाइंस में बताई है। तो ये तो मास्क की बात हो, मतलब कोरोना काल में बहुत से बड़े बड़े लोगों का दुर्दशा हो गई है, आम लोगों की तो क्या कहने। आज आपको मिलाते हैं हम एक स्पोर्ट्समैन से, बड़ी प्रबल इच्छाएं रखने वाला, और आपको जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े लेवल पे ये स्पोर्ट्समैन खेला हुआ है, आज ये फल बेच रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं। मैं नेशनल लेवल खेला, इंटरनेशनल लेवल खेला, मेरे नेशनल में मेडल था, इंटरनेशनल में ही मेडल था, मैं देश नेशनल में सिल्वर मेडल था और इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल था, यूथ एशियन में ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। मैंने पहले अपने स्टेट का नाम रोशन किया फिर अपने देश का नाम रोशन किया। मैं सर डेकैथलीट हूँ, मैं 10 इवेंट करता हूँ, 100 लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिंग, 1500 मीटर पोल वॉल्ट, हाई जंप, ये सारे इवेंट 10 इवेंट उस रेकैथलॉन में आते हैं। घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी पैसों की, उसके वजह से मुझे गेम छोड़ने की नौबत आ गई है। सर कोविड ने तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डाला है कि सर जब से कोविड-19 शुरू हुआ है जब से तो कुछ हालात ही घर के ख़राब हो गए। एक तो वैसे ही घर में पैसे नहीं थे, ऊपर से फिर ये चल गया है तो और ख़राब हो गया ना, दुकान लग रही है हमारी, रेडियो कुछ लग रही है।
2017 में मैंने मेडल आया था छत्तीसगढ़ में, नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप आई थी। उसके बाद 2018 में दिल्ली स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल था 10 किलोमीटर में। उसके बाद 2019 में ब्रॉन्ज मेडल था 10 किलोमीटर दिल्ली स्टेट में। मैं दिल्ली मिल्स स्कीम में जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट है मेरी, क्योंकि मेरे पास अपना खर्चा भी निकालना पड़ता है, फैमिली इतनी वो इतनी मतलब सपोर्ट नहीं कर पाती। कोरोना वायरस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी ना, मैं उसमें ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा था, थोड़ी जॉब में प्रॉब्लम आई थी, जॉब प्रॉपर से नहीं मिल पाती हमें, आधी आधी जॉब में ड्यूटी मिलती है 6-7 हज़ार रुपये में। अब बिहार में कहीं बाढ़ की बहार है तो कहीं कोरोना का जो मामले हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सामने। आज आपको नालंदा की भी एक खबर दिखा देते हैं। नालंदा में देखिए कि किस तरह तमंचे पर डिस्को हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, जैसे कोरोना है ही नहीं, कोई महामारी है ही नहीं, बस मस्ती में नाचे जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इन पर कार्रवाई होगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। क्षेत्र का मामला है गोकला गांव, इसमें शिव मंदिर पर कार्यक्रम किया है, इसमें 10 लोगों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है, नामजद और अज्ञात हैं। डीजे, भैपर और कुछ अन्य सामान वहां से जब्त किया गया है।